हेलो बच्चों मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश इस चैनल पे बच्चों सी एग्जाम्स के लिए जो वन शॉट जो मैं बनाने जा रहा हूं आज इस सीरीज़ में जो पहला चैप्टर है हमारा साइंस पार्ट टू का नेम ऑफ चैप्टर इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन तो बच्चों हेरिडिटी और इवोल्यूशन इस पे ऊपर ए वन शॉट वीडियो जो है आपके सामने मैं तैयार करने जा रहा हूँ तो पहला पॉइंट जो है यहाँ पे हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस तो बच्चों हेरिडिटी का मतलब क्या होता है डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाई जीन्स इज कॉल्ड एज हेरिडिटी तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसमिट होते इंक्लूडिंग द फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑप्सिंग माता से माता पिता से बच्चों में जो कैरेक्टर्स आते हैं वो जीन्स के थ्रू आते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं हेरेडिटी इसी को क्या कहते हैं बच्चों हेरिडिटी दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी वी नो दैट लास्ट ईयर वी आर स्टडी द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द ग्रेगर जॉन मेंडल्स द जॉन मेंडल ही इज कॉल्ड एज अ पायोनियर ऑफ जेनेटिक्स मॉडर्न जेनेटिक्स अभी जो है जेनेटिक्स सबसे एडवांस साइंस में सबसे एडवांस ब्रांच जो है वो जेनेटिक्स के बच्चों और जेनेटिक्स इस ब्रांच की न्यू रखने का श्रेय जो जाता है वो जाता है ग्रेगर जॉन तो ग्रेगर जॉन मेंडस ही हैज परफॉर्म द वेरियस एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट गार्डन पी प्लांट के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे हमने सभी वो एक्सपेरिमेंट्स पिछले साल पढ़े थे तो इसके जो कंक्लूजन्स थे अराउंड एटीन हंड्रेड एंड एटी सिक्स तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था ये सभी एक्सपेरिमेंट्स जो थे उनके कंक्लूजन निकाले थे बट ही टेक्स मोर टाइम तो इसका कंक्लूजन क्या है इसको निकालने के लिए मेंडल्स को काफी समय लगा क्यों समय लगा क्योंकि बच्चों व्हाट इज द रीजन फॉर द चेंजेस दैट आर ऑकर्स इन द सेकंड जनरेशन सेकंड जनरेशन में नए प्लांट्स तैयार हो रहे थे जो कैरेक्टरिस्टिक उनको पेरेंटल जनरेशन में भी नहीं मिल रही थी फर्स्ट फिलियल जनरेशन में भी नहीं मिल रही थी तो वो कैरेक्टर्स क्यों आते थे उसके पीछे क्या रीजन है वो मेंडल्स को नहीं मालूम था इसीलिए उनके जो खुद के जो एक्सपेरिमेंट थे उसके रिजल्ट वो नहीं निकाल पा रहे थे देन इन नाइनटीन द साइंटिस्ट ह्यूगो डू ह्यूगो डी वेरिस साइंटिस्ट का नाम क्या है बच्चों ह्यूगो डी वेरिस तो ये साइंटिस्ट ने क्या किया एक थेरी आ, सामने रखी उस थेरी का नाम था म्यूटेशनल थेरी तो म्यूटेशनल थेरी से पता चला द रीजन बिहाइंड द सडन चेंजेस तो जो चेंजेस आते हैं उसके पीछे रीजंस क्या था वो म्यूटेशनल थेरी से पता चला म्यूटेशनल थेरी क्या बताती है म्यूटेशनल थेरी बताती है कि देयर आर ऑकर्स द चेंजेस इन द जीन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड दैट जो चेंजेस आते हैं जीन्स में वो ट्रांसमिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में जिसकी वजह से न्यू स्पीसीज इवॉल्व होती है नई स्पीसीज तैयार होती है ड्यू म्यूटेशनल थेरी को बहुत सारे ऑब्जेक्शन भी थे लेकिन सडन चेंजेस क्यों आते हैं ये बात उस समय पता चली ये किसकी वजह से आते हैं ड्यू टू द चेंज इन जीन्स जीन्स में बदलाव आ गए तो जो है वो कैरेक्टर्स में बदलाव आते हैं तो फिर उसके बाद जो है नाइनटीन टू द नेम ऑफ साइंटिस्ट वॉल्टर एंड सुटोन यहाँ पे देख पा रहे हैं वाल्टर एंड सुटोन तो वॉल्टर एंड सुटोन इन्होंने क्या डिस्कवरी की दे डिस्कवर द पेयर्ड क्रोमोजोम्स इन ग्रॉसोफर तो ग्रॉसोफर के अंदर उन्होंने पेयर्ड क्रोमोजोम्स जो है वो पाए उसको डिस्कवर किया टिल इट वॉज नॉट नोन टू एनीबडी जो इसके पहले किसी को पता नहीं था कि क्रोमोजोम्स होते हैं और वो पेयर में होते हैं इसकी डिस्कवरी इन दो साइंटिस्ट ने की वॉल्टर और सुटोन तो ये डिस्कवरी होने के बाद पूरा साइंस जो है पूरे uh, जो है वो किसके पीछे दौड़े टू फाइंड आउट द जेनेटिक मटेरियल तो जेनेटिक मटेरियल कौन सा है इसको उन्होंने ढूंढने की कोशिश की एंड इट हैज बीन डिस्कवर्ड दैट द जीन्स आर कैरीड बाय द डीएनए तो जीन्स को कौन कैरी करता है डीएनए कैरी करता है और डीएनए क्रोमोजोम्स के अंदर होते हैं ये वहां पे डिस्कवर हुआ तो ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था बच्चों और इसके बाद जो साइंटिस्ट थे 1944 तीन तीन थ्री साइंटिस्ट उन्हें है कहा, कहा, कहा जाता है ऑफ साइंटिस्ट वॉस वर्ल्ड एवरी मैकलैंड मैककार्ती एंड कॉलिन मैकलॉड तो इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया एक्सेप्ट द वायरस वायरस को छोड़ के बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स में डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है हर एक सेल में हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेलुलर हो प्रो सेल हो या यू सेल हो सभी सेल के अंदर डीएनए ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट द वायरस वायरस में क्या है बच्चों वायरस में एक तो डीएनए होता है एक तो आर एन ए होता है तो वायरसेस को छोड़ के तो ये काफी अहम डिस्कवरी थी तो हम क्या पढ़ रहे बच्चों यहाँ पे हाउ द हेरिडिटी इज डिस्कवर हेरिडिटी की डिस्कवरी कैसे हुई कैरेक्टर कैसे ट्रांसमिट होते ये अभी अभी हमें पता था लेकिन इसकी डिस्कवरी कैसे हुई इसके बारे में हम पढ़ रहे अब जो है इसके बाद जो है 1961 हंड्रेड एंड सिक्सटी वन द फ्रेंच जेनेटिसिस्ट फ्रेंकोइस जॉकोब एंड जैक मोनाल्ड तो इन दोनों साइंटिस्ट ने एक मॉडल प्रपोज किया द मॉडल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियल डीएनए तो बैक्टीरिया के डीएनए की मदद से उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस का एक मॉडल तैयार किया तो उस मॉडल से एक बड़ा बहुत ही बड़ा तूफान आया क्या तूफान आएगा तो प्रोटीन से जो सिंथेसाइज होती है उसकी इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर होती है तो ये सभी कोड जो थे हमारे साइंटिस्ट के सामने खुल गए तो दिस कोडॉन्स आर हिडन इन द डीएनए तो डीएनए के अंदर ये सभी प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन कोड के फॉर्म में होती है ये डिस्कवरी हुई है प्रोटीन मॉडल के आ, प्रोटीन मॉडल जब सामने आए तब ये सभी डिस्कवर हुआ आगे बच्चों समझ में तो फिर इसके बाद क्या हुआ द साइंटिस्ट हैव ट्राइड द न्यू थेरी दैट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है दो अलग अलग स्पीसीज के जो डीएनए है उसको ज्वाइन किया जाता है और ज्वाइन करने के बाद जो डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस होती है उसका अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से डिज़ायर कैरेक्टर जो है वो स्पीसीज के अंदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डेवलप किया जाता है इसकी वजह से ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज़ अ वेरी वे वास्ट यूज इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है तो so, इसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का विकास हुआ इसकी वजह से द हेरिडिटरी साइंस ऑफ हेरिडिटरी बहुत बहुत ही इसमें चेंजेस आ गए एंड दिस साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूज इनके यूजेस क्या है यूजेस ऑफ साइंस ऑफ हेरिडिटी तो इट इज यूज इन द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटी डिसीज़ तो हेरिडेटरी डिसीज़ जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं ये पहले पता नहीं था इसका डायग्नोसिस करना आसान हो गया है उस पर उसके जो ट्रीटमेंट है वो भी आसान हो गया है और उसमें जो प्रिवेंशन लेना चाहिए ये भी हम साइंस ऑफ हेरिडिटी की मदद से कर सकते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू प्रोड्यूस द हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्लांट और एनिमल्स के हाइब्रिड वेराइटीज़ प्रोड्यूस करना आसान हो गया जिसकी वजह से जो फार्मर्स जो है उनको ज़्यादा ईल्ड मिलने लगी और हमारे देश के अंदर जो है फूड uh, जो है फूड सप्लाई जो है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ गया एंड इट इज ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो यूज होता है इसमें भी हेरिडिटी का साइंस यूज किया जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजाइर प्रोटीन्स तैयार करे डिजाइन एंजाइम्स तैयार करे और वो एंजाइम्स इंडस्ट्री के अंदर तैयार किया जाता है वो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में हमें डिटेल में पढ़ना है बच्चों आ गया समझ में दिस इज अबाउट द हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस अब देखिए बच्चों सेकंड टॉपिक है हमारा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन तो अब देखिए बच्चों डीएनए अभी हमें यहाँ से तो पता चल गया डीएनए क्या है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल डीएनए क्या है जेनेटिक मटेरियल है और डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं हमने लास्ट ईयर डीएनए जो है इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था तो डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड ये न्यूक्लिक एसिड है दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं हमारे बॉडी के अंदर एक तो होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए तो डीएनए और आरएनए के आप में क्या फर्क होता है डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है जिस, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे दिस इज द डबल स्टैंड मॉलिक्यूल ऑफ डी एंड आर जो होता है आर सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है तो आर जो है ती, तीन प्रकार के आर होते हैं देट इज द मैसेंजर आर देन ट्रांसफर आर और राइबोजोमला बने तीन प्रकार के आर होते हैं तो डीएनए और आरएनए में क्या फ़र्क होता है डीएनए और आरएनए एन दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स से बने होते डीएनए में डीऑक्सी राइबो शुगर होती है और आरएनए में राइबो शुगर होती है न्यूक्लियोटाइड्स में क्या फ़र्क है डीएनए के अंदर चार न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं थाइमिन एडेनिन गिन एंड साइटोसिन और हमारे आर एन ए के अंदर जो है थाइमिन के जगह पे यूरियासिल होता है और बाकी एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन होता है तो थाइमिन जो है डीएनए के अंदर थाइमिन ऑलवेज पेयर विथ एडेनिन विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ग्वानिन ऑलवेज पेयरस विथ साइटोसिन बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पे क्या होगा थाइमिन की जगह पे यूरियाल है तो यूरियासिल का पेयरिंग एडेनिन के साथ होता है और गॉनिंग का पेयरिंग साइटोसिन के साथ होता है डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल अभी हमें पता चल गया है कि डीएनए के अंदर क्या होती है इंफॉर्मेशन होती है कोड के फॉर्म में जीन्स के फॉर्म में तो अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी द डिजायर प्रोटीन प्रोटीन इज सिंथेसाइज बाय द डी एन ए वाई आर एन ए इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोगमा इसे क्या कहते हैं बच्चों सेंट्रल डोगमा तो सेंट्रल डोगमा क्या है कि हमारा डीएनए जो है हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होते हैं वो डीएनए क्या करते हैं आरएनए की मदद से जो प्रोटीन हमारे बॉडी की बॉडी को जरूरत है जिस प्रोटीन की जरूरत है वो प्रोटीन तैयार करते हैं इसी को हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं अब जो है डीएनए जो है डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं आउट ऑफ दिस टू स्टैंड वन ऑफ द स्टैंड ऑफ डीएनए द आरएनए स्टैंड तो आर एन एस तैयार करता है तो पहला मैसेंजर आर एन ए जो है तो मैसेंजर आर एन एज फॉर्म दर एन एम आर एन एज प्रोड्यूस फॉर्म वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए अब डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस जो है वो आर एन ए के ऊपर तैयार होता है जैसे कि आप देखिए यहाँ पे डीएनए के ऊपर एडेनिन है ग्वानिन है साइटोसिन है और थामिन है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री आर एन ए के ऊपर क्या तैयार होगा एडेनिन की जगह पे क्या होता है यूरियासिल होता है ग्वानिन की जगह पे साइटोसिन साइटोसिन की जगह पे आ, जो है ग्वानिन और थाइमिन की जगह पे जो है यहाँ पे एडेनिन तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आ गया समझ में तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड जो है ये डीएनए का क्या है मैसेंजर आ रहे ने ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है वो तैयार होता है ये सभी प्रोसेस कहाँ पे हो रहे बच्चों दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट इनसाइड द न्यूक्लियस ये सभी प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होती है एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आ रहे ने फ्रॉम डीएनए एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं आगे समझ में अब ट्रांसक्रिप्शन हुआ मैसेंजर आर एन प्रोड्यूस हुआ और मैसेंजर आर एन जब प्रोड्यूस होता है तो ये न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस से निकल के फिर वो कहाँ पर आता है साइटोप्लाजम के अंदर आता है अब साइटोप्लाजम के अंदर जो मैसेंजर आर एन आ गया मैसेंजर आर एन आ गया इसमें इसके ऊपर क्या है ये कोड्स है ये कोड के फॉर्म में वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस कैसे किया जाता है ये इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है अब बच्चों इसको हम एक एग्जाम्पल एक 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 के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है एक समझ लो कि एक रेसिपी बनानी है अब रेसिपी बनाने की एक बुक है तो रेसिपी बनाने की बुक जो है वो डी है डीएनए है हमारी रेसिपी की बुक है जिसके अंदर काफी सारी रेसिपीज लिखी हुई है लेकिन कौन सी इस पे जो रेसिपी जिस लैंग्वेज में लिखी हुई है ये कोड के फॉर्म में कौन से फॉर्म में कोड के फॉर्म में अब रेसिपी बुक जो है इसकी झेरोक्स हमने बनाई तो ये झोरोक्स क्या है मैसेंजर आ अब जो इंफॉर्मेशन इस फॉर्म फौर, फॉर्म में आई है ये भी कोड फॉर्म में है किसी को पता नहीं है हु? अब जो मैसेंजर आ आ गया ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, आ, प्रोसेस हो गई अब मैसेंजर आ रहे किस में आ गया साइटोप्लाजम में आ गया और साइटोप्लाजम में ये कॉपीज आ गई झोरोक्स फॉर्म में लेकिन इसमें रेसिपीज की इंफॉर्मेशन है और कौन सी रेसिपी है ये कोड फॉर्म में कौन से फॉर्म में कोड फॉर्म में और कोड जो है ये तीन तीन अब रेसिपी के लिए क्या लगता है इंग्रेडिएंट्स लगते हैं क्या लगते हैं कोई भी हमें रेसिपी बनानी समझो हमें चाय बनानी थी उसके लिए दूध लगता है पत्ती लगती है पानी लगती है। ये क्या है सभी इंग्रेडिएंट्स है तो ये ही, कौन कौन से इस रेसिपी को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आर में है लेकिन वो इंफॉर्मेशन साइटोप्लाजम के अंदर कोई उसे पढ़ नहीं सकता लेकिन उसको पढ़ने वाला जो है ट्रांसफर आर जो है ट्रांसफर आर जो है वो क्या करता है इसके ऊपर जो कोड के फॉर्म में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो ट्रांसफर आर पढ़ सकता है तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में होती है ट्रिपलेट कोडॉन क्या है ट्रिपलेट कोरॉन इज इस इज फॉर द वन अमाइनो एसिड तो एक अमाइनो एसिड क्योंकि यहाँ पे क्या बनाना है इसे प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस हम सीख रहे प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन बनाने के लिए जो इन प्रोटीन uh, बनते हैं अमाइनो एसिड से तो अमाइनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन

देखिए अमाइनो एसिड जो है अब ट्रांसफर आर एन क्या करता है ट्रांसफर आर एन के कॉम्प्लीमेंट मैसेंजर आर एन में जो कोर्ड्स है उसके कॉम्प्लीमेंट्री कोर्ड्स जो है ट्रांसफर आर एन में होता है और वो इसे पढ़ सकता है अब इस लैंग्वेज को वो पढ़ सकता है और कौन कौन से रेसिपी बनाने के लिए कौन कौन से इन्ग्रेडिएट्स चाहिए जैसे कि अमाइनो एसिड क्या है इन्ग्रीडियंट है लेकिन कौन सा अमाइनो एसिड चाहिए तो वो कोडॉन फॉर्म में ट्रांसफर आर एन उसे पढ़ता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन इज द सप्लाई ऑफ अमाइनो एसिड एज पर द और मैसेज ऑन डीएनए मैसेज ऑन मैसेंजर आरएनए तो मैसेंजर आरएनए जो इंफॉर्मेशन है उस हिसाब सेल्ड है ट्रांसलेशन अब अमाइनो एसिड तो सप्लाई हो गए बुक जो है उसमें हमें जो रेसिपी बनानी है सब्जी है जो भी रेसिपी है वो बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगता है जो सामान लगता है वो ट्रांसफर आर एन सप्लाई करता है लेकिन रेसिपी कैसे बनानी है तो रेसिपी बनाने के लिए तीसरा जो है वो राइबोजोम्स होते हैं तो राइबोजोमल आर जो है राइबोसोम सप्लाई करता है अब जो है मैसेंजर आर जो होता है तो मैसेंजर आर एन ए आर एन एम आर एन ए से ये है राइबोजोम्स तो राइबोजोम्स क्या करते हैं मैसेंजर आर के एक एंड से दूसरे एंड तक ये मूव होता है और जैसे जैसे राइबोजोम्स मूव होगा तो ये कैसे मूव होगा एट द डिस्टेंस ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन एक एक कोडॉन पहले राइबोजोम एक कोडॉन के ऊपर रुकेगा फिर दूसरे कोडॉन के यानी कि एक कोडॉन जो है तीन नाइक न्यूक्लियोटाइट से बना है अब यहाँ पे जो है ट्रांसफर आर आता है कौन सा आता है ट्रांसफर आर एन इस तरह से टी आर एन ए अब टी आर एन ए क्या सप्लाई करेगा अमाइनो एसिड अब एक ट्रिपलेट कोडन के लिए एक अमाइनो एसिड उसने सप्लाई किया फिर राइबोसोम से यहाँ पे जाएगा दूसरा ट्रांसफर आने आने आएगा और दूसरा जो है अमाइनो एसिड सप्लाई करेगा तो इस तरह से अमाइनो एसिड की चेन बनती है तो वन अमाइनो एसिड इज बॉन्ड विथ अनदर अमाइनो एसिड दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड तो इसे क्या कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड तो दो अमीनो एसिड किससे जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड तो रेसिपी जो है क्या बनानी है कौन कौन से सामान चाहिए ये तो ट्रांसफर आ सप्लाई किए गए लेकिन रेसिपी किसने बनाई बच्चों राइबोसोम्स ने बनाई है देयरफॉर राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस की साइड राइबोसोम्स को माना जाता है आगे समझ में इस तरह से फिर प्रोटीन तैयार करता है एंड एंड देन द लॉन्ग चेन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स आर फॉर्म एंड दिस प्रोटीन्स आर यूजफुल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म तो ऑर्गेनिज्म में जो भी कैरेक्टर मॉर्फोलॉजिकल है फिजियोलॉजिकल है ये सभी कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल अपर ऑफ आवर बॉडी हम कैसे दिखेंगे हमारे हाथ कैसे होंगे पैर कैसे होंगे आंखों का कलर कैसे होंगे बालों का कलर कैसे होंगे ये सभी के लिए जो प्रोटीन और एंजाइम्स लगते हैं वो सभी इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं और उस तरह से हमारी बॉडी तैयार होती है दे आर डी एन ए इज कॉल्ड एज यूनिट ऑफ हेरिडिटी तो क्या है हमारे बॉडी के अंदर हमारी बॉडी कैसे होगी ये सभी इंफॉर्मेशन जो होती है हिडन होती है डीएनए के अंदर वो कैसे बनाने है? वो सभी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है आगे बच्चों समझ में अब ये लास्ट की प्रोसेस जो प्रोटीन तैयार होती है इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन तो ट्रांसलोकेशन क्या हुआ मोमेंट ऑफ राइबोसोम्स फ्रॉम वन एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए टू अनदर एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन अब जो बच्चों ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस सभी हुई अब इस ये सभी हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं प्रोटीन्स जिससे हमारे बॉडी बनती है एंड इन दिस वे द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एंड फ्रॉम द पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द जीन्स आर ट्रांसफर एज इट इज जैसे पेरेंट्स में वैसे कि वैसे बहुत सारे जीन्स जो है ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते उसी वजह से ऑफस्प्रिंग के जो कैरेक्टर्स है वो हमारे पेरेंट्स के जैसे होते लेकिन सम ऑफ द जीन्स देट आर नॉट ट्रांसमिटेड एज इट इज़ देयर ऑकर सर्टन चेंजेस इन देयर जीन्स तो वो जीन्स के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं बच्चों अब चेंजेस क्या होते हैं बच्चों देखिए अब यहाँ पे चेंजेस कैसे होते हैं मैं शॉर्ट में बताता हूँ अब यहां पे ये न्यूक्लियोटाइड है न्यूक्लियोटाइड से जीन बनते हैं अब यू जी सी सी यू ए ये देखिए ये है। अब इसके अंदर यहां पे अगर चेंज हो गया अब यहां पे पहला न्यूक्लियोटाइड बराबर है यू जी सी अब यहां पे आ गया सी, यू सी जी यू अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो कोडॉन जो है यहाँ पे चेंज आ गए एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज म्यूटेशन म्यूटेशन यानी कि चेंज इन द पोजिशन ऑफ जीन्स एंड इन एयर सिक्युशन इट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन और कुछ म्यूटेशन जो है वो माइनर होते हैं इसका हमारे बॉडी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन सम ऑफ द म्यूटेशन आर कंसिडरेबल लाइक दैट ऑफ द सिकल सेल एनीमिया ये जेनेटिक डिफेक्ट जो है ये जेनेटिक डिसीज है हेरिडिटरी डिसीज है ये म्यूटेशन की वजह से होता है एंड दिस इज द म्यूटेशन दैट मे बी द हार्मफुल या यूजफुल हार्मफुल भी होता है और यूजफुल भी होता है बच्चों म्यूटेशन तो म्यूटेशन की म्यूटेशन की वजह से चेंजेस आते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा अब बच्चों कंसीडर कंसिडर कीजिए जो बहुत साल पहले जो हमारे अर्थ के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स थे और आज के ऑर्गेनिजम इसमें काफ़ी फ़र्क है द बायो डायवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी इज एग्जिस्ट ऑन द अर्थ बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन तो हमारे धरती के ऊपर जो बायोडाइवर्सिटी हम देख रहे हैं अलग अलग तरह के प्लांट्स देख पा रहे हैं अलग अलग तरह के एनिमल्स देख पा रहे हैं ये इवोल्यूशन की वजह से तो इवोल्यूशन क्या है इसे उत्क्रांति भी कहा जाता है तो इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड दिस द ग्रेजुअल चेंजेस दैट आर ऑकर्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए बहुत क्रमिक चेंजेस होते हैं धीरे धीरे टू कम्प्लीट ये ऐसा नहीं कि एक दो तीन साल के अंदर दस साल बीस साल के अंदर कोई नई स्पीसीज़ तैयार हो नया ऑर्गेनिज्म यहाँ पे जन्म ले तो इसको हज़ारों लाखों साल लगते हैं इसके बाद जो है वो स्पीसीज तैयार होते हैं नए ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पर इवॉल्व होते हैं तो बच्चों अब यूल्यूशन जो होता है तो यूवल्यूशन यानी कि चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिज़म्स के अंदर और उस चेंजेस को जो है दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट किया जाता है तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन नए ऑर्गेनिज़म्स यहाँ पे इवॉल्व होते तो यहाँ पे जो है एनवायरमेंट का भी हिस्सा होता है तो चेंजेस सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर ही नहीं आते हैं तो देयर ऑकर द चेंजेस इन स्टार्स प्लैनेट्स एंड बायोस्पियर ऑन द अर्थ तो ये सभी स्टार के अंदर प्लैनेट्स के अंदर बायोस्पियर के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं ये सभी को रूवल्यूशन के अंदर कंसिडर किया जाता है बच्चों तो रिवोल्यूशन क्या है बच्चों इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पीसी ड्यू टू द चेंज इन स्पेसिबल कैरेक्टर ऑफ सेवरेल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पर द रिस्पॉन्स टू द नेचुरल सिलेक्शन तो न्यू स्पीसीज यहां पे तैयार होती है नया ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे तैयार होता है तो क्यों तैयार होता है ड्यू टू द चेंजेस इन द प्रीवियस ऑर्गेनिज्म एंसेस्टर पहले जो ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं अगर चेंजेस डिजायर है यूजफुल है तो उसे नेचर सिलेक्ट करता है और जिसके अंदर डिजायर कैरेक्टर से डिजायर चेंजेस से यूजफुल चेंजेस है तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो नए कैरेक्टर के साथ तैयार होता है और उसके कैरेक्टर और पहला वाला ऑर्गेनिज्म जो है उसके कैरेक्टर में काफ़ी फर्क दिखाई देता है और न्यू पीसीज इस तरह से तैयार होती है एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ यूवोल्यूशन और इसी को हम यूवोल्यूशन कहते हैं अब देखिए बच्चों लाइफ ऑन अर्थ हमारे धरती के ऊपर जीवन जो है वो कैसे तैयार हुआ देर वे आर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म बिफोर थ्री पॉइंट फाइव बिलियंस ईयर एगो इसके पहले हमारे धरती पे ऊपर कोई जीव नहीं था जीव तत्व भी नहीं था सेल भी नहीं थी हमें मालूम है कि सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए तो एक सेल भी हमारे धरती के ऊपर नहीं थी तो ये ऑर्गेनिज्म कैसे तैयार हुए हु? तो सबसे पहले जो है दो एलिमेंट्स प्रेजेंटे द लाइफ राइजेस इन द ओस ऑन द अर्थ सबसे पहले जीव जो है वो कहाँ पे तैयार हुए हमारे धरती के ऊपर जो ओसंस थे उसके अंदर तैयार हुए ओसिंस तो के अंदर अलग अलग तरह के एलिमेंट्स थे सिंपल एलिमेंट्स जो है इसमें कार्बन देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन इस तरह के एलिमेंट्स थे तो ये जो सिंपल एलिमेंट्स जो थे पहले तो सिंपल एलिमेंट्स तैयार हुए देन तीस एलिमेंट्स कंबाइन विथ टूगेदर टू फॉर्म द कंपाउंड तो हमने केमिस्ट्री के अंदर बड़ा है कि दो अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, तो कंपाउंड्स तैयार होते हैं। तो कंपाउंड्स दो प्रकार के तैयार हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये सभी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे सिंपल कंपाउंड्स थे और इन कंपाउंड्स से फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स तैयार हुए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एंड कंपाउंड्स दैट इज कॉल्ड एड न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड दैट इज डी एंड आर एन आ गए हम डी के ऊपर ये जो है यहाँ से ही जीव सृष्टि का निर्माण हुआ है डी दैट इज द न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन तैयार हुए और इस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन इनकी मदद से फिर तैयार हुए प्रिमिटिव सेल्स प्रिमिटिव सेल्स दैट वी कॉल्ड एज अ प्रो कैरियोटिक सेल जिसे हम आज प्रो कैरियोटिक सेल्स से जानते हैं और हमारे बुक के अंदर जो है उसका हम स्टडी करते हैं तो प्रिमिटिव सेल्स यहाँ पे तैयार हुई एंड दिस प्रिमिटिव सेल्स इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड दैट आर मेडअप ऑफ एलिमेंट्स ये बात आपको समझ में आई होगी एलिमेंट्स से फिर कंपाउंड्स तैयार हुए कंपाउंड से फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार हुए और कॉम्प्लेस कंपाउंड से प्रीमेटिव सेल तैयार हुई थी और दी प्रिमेटिव सेल जो तैयार हुई थी फिर इसको जो है ये इसको जीने के लिए क्या था द सम ऑफ द केमिकल्स जो भी केमिकल्स थे सराउंडिंग एनवायरमेंट में वो केमिकल को वो प्रीमिटिव सेल खा जाती थी और उसकी संख्या बढ़ती थी और ग्रोथ होती थी और जैसे जैसे ग्रोथ होती थी तो उनमें थोड़े थोड़े चेंजेस आ गए कुछ सेल जो थे वो केमिकल को रिस्पॉन्स देते देते थे और उसमें कुछ बदलाव आते थे तो डिज़ायर और अनडिज़ायर यूजफुल और हार्मफुल जो चेंजेस वो सेल के अंदर आ गए जो चेंजेस यूजफुल थे यूजफुल चेंजेस को कैसे माने हम द चेंजेस वीच कैन एडजस्ट द सराउंडिंग एनवायरमेंट Environment एनवायरमेंट में जो भी बदलाव होते उसके साथ जो सेल एडजस्ट करती थी वो सेल वहां पे जीवित रही और इसकी ग्रोथ होगी इस तरह से सेल का निर्माण जो है हमारे धरती के ऊपर हुआ है और नाउ वी कैन सी द ह्यूज बायवर्स बायोडाइवर्सिटी अमॉन्ग प्लांट्स एंड एनिमल्स तो प्लांट्स और एनिमल्स में हम काफ़ी डाइवर्सिटी दिखते हैं प्लांट्स के अंदर देखिए यूनिसेलुलर पैरामेसियम अमीबा से लेके जाइजेंटिक एनिमल वेल्स जो है वो जाइजेंटिक एनिमल्स है और प्लांट्स के अंदर बायोडाइवर्सिटी क्या है यूनिसेलुलर अल्गी जिसका नाम क्लोरेला है उससे लेके तो लार्ज जो है ह्यूज प्लांट बनियन इस तरह से बायोडाइवर्सिटी हम यहाँ पे देख पाते हैं अब ये जो बायोडाइवर्सिटी हमारे अर्थ के ऊपर है तो ये बायोडाइवर्सिटी कोई एक दिन में तैयार नहीं हुई है उसे करोड़ों ईयर्स इट द करोड़ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सच और विच वेराइटीज ऑन द अर्थ अब देखिए द ह्यूमन बीइंगज़ वेरी क्यूरियस ह्यूमन बीइंग को बहुत जिज्ञासा थी कि ये जीव तत्व जीवन हमारे धरती के ऊपर कैसे तैयार हुआ है तो इसके बारे में अलग अलग थेरीज जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने रखी है जिसे कहते हैं हम थेरीज ऑफ इवोल्यूशन क्या कहते हैं थेरीज ऑफ इवोल्यूशन और थेरीज ऑफ ओरिजिन एंड ईवोल्यूशन तो बहुत सारी थेरीज ऐसे आ, सामने आई उसमें से एक थेरी है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और इस थेरी को हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी कहते हैं दिस थेरी इज वाइडली एक्सेप्टेड इसको सभी ने मान्यता दी और उस थेरी को अभी सम मानते हैं क्यों मानते हैं इसका भी रीज़न है इसके इविडेंसेस अवेलेबल है तो उस इविडेंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अब देखिए हम थेरी ऑफ इवोल्यूशन तो अकॉर्डिंग टू द थेरी ऑफ इवोल्यूशन क्या बताती है थेरी ऑफ इवोल्यूशन कौन सी ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इसको आपको ध्यान में रखना है अकॉर्डिंग टू दिस थेरी द फर्स्ट लाइफ मटेरियल इट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म जिसे हम जीव तत्व भी कहेंगे पहला जो जीव तत्व था वो सेल के फॉर्म में नहीं था वो प्रोटोप्लाज्म के खाम में था जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन इस प्रोटोप्लाज्म बनता है और प्रोटोप्लाज्म ये पहला जीव तत्व था और उस प्रोटोप्लाज्म से फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने और अब जो देखते हैं हम यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे इवॉल्व हुए हैं तो ये जो है तो ये सभी प्रोसेस को होने के लिए यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पहला जो सेल यहाँ पे तैयार होने के लिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को तैयार होने के लिए कितने साल लगे बच्चों 300 करोड़ ईयर्स कितने 300 करोड़ ईयर्स तो तब 300 करोड़ ईयर्स के पहले जो है वहाँ पे फिर जीव की जो है सजीव जो है यानी कि जिसे हम कह सकते हैं यूनिसेल ऑर्गेनिज्म यहाँ पे यूआर्ड हुआ फिर उसमें यूल्यूशन हुआ तो कोर्स ऑफ यूल्यूशन तो यूल्यूशन की प्रोसेस जो है आपको समझ में आई होगी ये क्या दो दिन में नहीं होती है इसे हजारों लाखों साल लगते हैं नए ऑर्गेनिजम्स तैयार होने के लिए तो यूवल्यूशन क्या है बच्चों यूवल्यूशन इज द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एनसेस्टर हैविंग द डिफरेंट फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एज इवल्यूशन तो प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होते हैं चेंजेस आते हैं किसमें चेंजेस आते हैं एनसेस्टर हमारे जो पूर्वज हैं उसमें चेंजेस आते हैं और चेंज आने की वजह से नए जो है वो प्लांट और एनिमल तैयार होते हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक और जो ancestor, उनके जो एंसेस्टर उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं बच्चों अलग अलग होते हैं अब देखिए बच्चों हमने यहाँ पर क्या है थेरी ऑफ इवोल्यूशन ये यहाँ पे कंप्लीट की तो बच्चों अब देखिए इविडेंसेस क्या है इवोल्यूशन के लिए तो इवोल्यूशन के लिए जो इविडेंस है इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो थेरी ऑफ इवोल्यूशन यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं थियरी ऑफ इवोल्यूशन तो हमने देखी अब थेरी ऑफ इवोल्यूशन इवोल्यूशन सही मायने में हुआ कि नहीं अलग अलग थेरी जो आ, सामने आई थी उसमें ग्रेजुअल डेवलपमेंट तो ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये थेरी सबसे एक्सेप्टेड है तो इसके लिए इविडेंसेज भी है उसके लिए सबूत जो है तो अभी हमने पढ़ना है इविडेंसेस फॉफ यूल्यूशन तो अब यूल्यूशन हुआ कि नहीं इसके लिए इविडेंसेस क्या है तो बच्चों ईवोल्यूशन होता है तो ईवोल्यूशन इज अवर लास्टिंग प्रोसेस ऑफ चेंजेस तो ईवोल्यूशन क्या है एवर लास्टिंग प्रोसेस यानी कभी न खत्म होने वाली बदलाव की ये प्रक्रिया है तो ईवोल्यूशन पहले भी हुआ था और आज भी ईवोल्यूशन की प्रोसेस जो है वो बच्चों अभी तक शुरू है तो यहां पे कुछ इविडेंसेस है जिस इविडेंस को हमें पढ़ना है मार्फोलॉजिकल इविडेंस एनाटॉमिकल वेस्टिजियल पेलोडोलॉजिकल इविडेंसेस कनेक्टिंग लिंक एंड एम्ब्रियोलॉजिकल इविडेंसेस इतने सारे सबूत है इवोल्यूशन के लिए तो बच्चों एक एक करके हम इविडेंस को पढ़ेंगे तो पहले हमें पढ़ना है मार्फोलॉजिकल इविडेंस तो मार्फोलॉजिकल इविडेंस जो है मार्फोलॉजी किसे कहते हैं अपियरेंस ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर मार्फोलॉजी ये साइंस है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी बॉडी स्ट्रक्चर जो है एक्सटर्नल अपीरेंस हमारी बॉडीज़ कैसी है इसके स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक का अभ्यास जो है वो मार्फ़ोलॉजी में किया जाता है तो हम कैसे दिखते हैं इसे हम मार्फ़ोलॉजी कहेंगे हमारे बॉडी का कलर कैसा है स्ट्रक्चर कैसे हाथ कैसे लंबे है या छोटे है बाल कैसे तो ये मार्फोलॉजी हुई है तो मार्फोलॉजी आपको समझ में है अब मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखिए अब आपके सामने कोई एनिमल आता है कोई पेड़ देखते हैं तो आप प्लांट और एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते कि बानो ये पेड़ है ये एनिमल है तो ये कैसे क्लासिफाई करते हैं क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स इनके स्ट्रक्चर में फर्क है प्लांट्स और एनिमल्स इनके स्ट्रक्चर में फर्क है यूजुअली जो एनिमल्स जो होते हैं इसमें माउथ होता है जिससे माउथ है उसको हम एनिमल कहेंगे माउथ होता है पोजीशन ऑफ आई आई की आई eye, आईज होती है उनकी पोजीशन अलग अलग जगह पे होती है देन स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल नॉस्ट्रिल होता है नॉस्ट्रिल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है ईयर पिन्ना थिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर्स ऑन द बॉडी हुँ? तो सभी एनिमल्स के बॉडी के ऊपर हेयर्स नहीं होते कुछ एनिमल्स के बॉडी के ऊपर स्केल होते तो जैसे कि हमारे बुक के अंदर डायग्राम दी है उस डायग्राम को देख के आपको क्या करना है यहाँ पे कैरेक्टर्स लिखने प्लांट्स के कैरेक्टर्स क्या है एनिमल्स के कैरेक्टर तो एनिमल बोले तो हमारे सामने माउम नाक का नाक हा ये ये सभी पार्ट्स आते हैं ये पार्ट्स है ऑर्गन्स है तो वो एनिमल है अगर उसको पत्ते हैं वो ग्रीन कलर के हैं लूज आर ग्रीन इन कलर द लिप शेप पान जो होते हैं उसके अलग अलग शेप होते हैं लीप जो है उसको पेटियोल होते हैं सब कुछ प्लांट जो इसको फ्लावर आते तो ये मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर है तो मार्फोलॉजिकली ऑल प्लांट्स आर सिमिलर मार्फोलॉजिकली ऑल एनिमल्स आर सिमिलर सभी एनिमल्स को मुंह है यानी कि दे हाव अराइजेस और दे हैव द कॉमन एनसेस्ट्री डॉग है कैट है लायन है एलिफेंट है सभी को मुंह है तो सभी को नाक है सभी को कान है सभी के बॉडी के ऊपर हेयर से। इट मीन्स दैट दे हैव द कॉमन एंसेस्टर वो जो सभी इवॉल्व हुए हैं वो इनका पूर्वज जो था वो एक ही था और वहाँ से इन सभी का इवोल्यूशन हुआ है तो फिर उनमें थोड़े थोड़े चेंजेस आए प्लांट्स का भी वैसे देआर फॉर द मार्फोलॉजिक यूज द एविडेंस फॉर द कॉमन एनसेस्ट्री ऑल ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर एनिमल्व फ्रॉम अ कॉमन एनसेस्टर अब सेकंड जो इविडेंस है सबूत जो है इवोल्यूशन के लिए वो है एनाटॉमिकल इविडेंस तो अब यहां पे हमने एनाटॉमिकल इविडेंस देखेगा हमारे बुक के अंदर एक डायग्राम दिए जिसमें स्केलेटन बताए हुए तो एनाटॉमी क्या होती है एनाटॉमी इज हाउ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर कनेक्टेड एनाटॉमी इज द स्टडी हाउ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर कनेक्टेड एंड हाउ दे आर को रिलेटेड विद द ऑर्गेनिज्म तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी पार्ट्स है जो भी ऑर्गन्स है इंटरनल ऑर्गन्स है तो ये ऑर्गन्स जो है इनका संबंध कैसे है स्ट्रक्चरली फंक्शनली तो इसके बारे में जो स्टडी की जाती है उसे एनाटोमी कहा जाता है इन शॉर्ट एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स तो स्केलेटन जो देखिए ह्यूमन हैंड इसका स्केलेटन हमारे बुक के अंदर डायग्राम दिए यहाँ पे मुझे पॉसिबल नहीं वो डायग्राम बताना तो ह्यूमन हैंड देन फोर लेग ऑफ ऑक्स फ्लिपर्स ऑफ व्हेल एंड पैटेजियम ऑफ बैट तो ह्यूमन का हैंड जो है इसका स्केलेटन दिया है तो वी नो दैट ऑल दीज ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दे आर यूज फॉर डिफरेंट परपजेज तो अलग अलग काम के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन हैंड जो है वो चीज़ों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ऑक्स का फोर लेग्स है बैल का फोर लेग है वो चलने के लिए काम में आता है फ्लिपर्स ऑफ व्हील्स वेल्स के जो फ्लिपर्स है वो स्विमिंग के दौरान काम में आते हैं और जो है प्रे उनका भक्श जो है छोटी छोटी फिश कैप्चर करने के लिए व्ल्स को उसका काम आता है पैटेजियम ऑफ बैट बैट का पैटेजियम जो है बैट जो है फ्लाइंग मैमल से उड़ने के लिए उसे उस पैटेजियम का इस्तेमाल वो बैट करती है तो बच्चों दे आर ऑफ डिफरेंट यूज तो ये ऑर्गन्स जो है वो अलग अलग काम करते हैं उनके फंक्शंस अलग है लेकिन उनका स्केलेटल अगर आप देखेंगे बुक के अंदर उसको देखना है तो उनके बोन का स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर ऑफ बोन पैटर्न ऑफ देयर जॉइंट्स आर सिमिलर तो दिस दैट दिस शोज दैट दे आर इवॉल्व फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर उनका पूर्वज एक ही है उनका पूर्वज क्या है एक ही है और एक ही ऑर्गेनिज्म से फिर ये इवॉल्व हुए हैं एनाटोमिकल इविडेंस अब वेस्टिजियल इविडेंस वेस्टिजियल ऑर्गन्स। एक्चुअली वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है डीजेनरेटेड आर अंडर डेवलप यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्मीजियल ऑर्गन्स जैसे देखो बच्चो हमारे एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं तो चेंजेस आने के बाद सडनली अचानक हमारे बॉडी के अंदर कोई टिश्यू या ऑर्गन्स जो है वो तैयार नहीं होता है ये पॉसिबल नहीं है इंस्टेट इसकी जगह पे क्या होता है जो एग्जिस्टिंग ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर वो ऑर्गन्स क्या होता है धीरे धीरे डीजेनरेट होने लगता है उसमें बदलाव आने लगते हैं वो नष्ट होने के नष्ट होने लगता है तो ये जो डीजेनरेटिंग ऑर्गन जो है ये कोई एक या दो दिन में नष्ट नहीं होता है उसे कई पीढ़ियाँ लगती है यानी कि 100 या 200 साल के बाद या पाँच सौ हज़ार साल के बाद जो है वो धीरे 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 वो खत्म हो जाएगा और पीढ़ी दर पीढ़ी ये धीरे धीरे नॉन फंक्शनल होते जाएगा लेकिन जो है वो अवशेष के तौर पे रिमेरेंस के तौर पे हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है जो हमारे बॉडी में फंक्शनल नहीं है अब देखिए बच्चों कोई ऐसी कंडीशन होती है कोई ऐसा एनवायरमेंटल कंडीशन होता है कि उस एनवायरमेंटल कंडीशन में वो ऑर्गन्स जो है हमारे बॉडी में फंक्शनल था लेकिन परिस्थिति चेंज होने की वजह से वो ऑर्गन्स में ऐसे बदलाव आ कि वो ऑर्गन हम अभी यूज नहीं करते लेकिन अगर हमारे बॉडी में यूजलेस है यानी कि वो वेस्टिजियल है यूजलेस ऑर्गन को क्या कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं अगर वो हमारे बॉडी के अंदर यूजलेस है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर वेस्टिजियल होगा ही या यूजलेस होगा ही ऐसा नहीं होता है अब देखिए बच्चों एग्जाम्पल है यहाँ पे वर्मी अपेंडिक्स तो डायग्राम के अंदर आप देख पाए दे, देखेंगे वो बुक के अंदर हॉर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या कहाँ हो, होता है जहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है और लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है वहाँ पे एक छोटा सा ऑर्गन होता है तो उसे हम कहते हैं हॉर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अब ये जो हॉर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है ये अपेंडिक्स हमारे बॉडी के अंदर यूजलेस है इसका हम कोई यूज नहीं करते हैं पहले जो था हुँ? हजारों साल पहले जो ह्यूमन्स था वो ह्यूमन क्या करता था रॉ फूड खाता था झाड़ पेड़ के पत्ते हैं फ्रूट्स है कंद है इसको खाता था तो इसमें सेलुलोज बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो सेलुलोज पचाने के लिए जो भी एंजाइम्स लगते वो एंजाइम्स जो है हमारा हॉर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सीक्रेट करता था लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है खाना पका के खा रहा है तो उसके अंदर सेलुलोज उसके बॉडी के अंदर कम जाता था तो इसलिए इसमें एंजाइम्स भी कम प्रोड्यूस होते थे और धीरे धीरे एंजाइम्स वहाँ पर प्रोड्यूस होना बंद हो गए और ये ऑर्गन जो है वो वेस्टिजियल बन गया अभी हम जो है हमारे बॉडी के अंदर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का कोई यूज नहीं होता है हार्मफुल हार्मफुल है कभी कभी बैक्टीरियल इंफेक्शन अगर हमारे बॉडी के अंदर हो जाता है तो इससे हमें हार्म होता है तो ऑपरेशन करके हुँ? सर्जरी करके इसे हमें निकालना पड़ता है बट दिस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज स्टिल वर्किंग एंड फंक्शनल इन रूमिनंस रूमिनंट्स ऑर्गेनिज्म जो है रवन करने वाले प्राणी जो है गाय है बैल है इसमें ये फंक्शनल है क्योंकि उनके बॉडी के अंदर अभी भी सेल्युलज जाता है और सेल्युल्स को पचाने के लिए जो एंजाइम्स लगते हैं वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स तैयार करता है अब हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्टिजियल ऑर्गन है इसकी लिस्ट है यहाँ पे अब देखिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये वेस्टिजियल ऑर्गन होगा ईयर पिन्ना ईयर पिन्ना जो है हमारे ये जो है ये पिन्ना इसका कोई यूज़ नहीं हमें ये इसके मोमेंट भी नहीं होती लेकिन इट इज़ यूजफुल इन मंकी मंकी में यूजफुल होता है इसकी मोमेंट्स होती है रूमिनन्स ऑर्गेनिज्म में यूजफुल होता है उसकी क्या होती है दे चेंज देयर डायरेक्शन टू कैप्चर द साउंड अब टेल बोन जो है कोकिक्स टेल बोन इज द कोकिक्स इट इज द लास्ट बोन ऑफ आवर होल कॉलम लास्ट बोन होता है और वहाँ पर जो है कोकिक्स इज द पोजिशन वेयर द टेल ऑफ मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अटैच तो टेल की जो पोजीशन है बाकी ऑर्गेनिज्म में ये यहाँ पे है लेकिन ह्यूमन बींग्स को पहले जो है वो टेल थी और वो टेल धीरे धीरे क्या हो गई नष्ट हो गई डिजेनरेट हो गई और उसकी जो निशानी है वो कोकिक्स बोन के तौर पे हमारे बॉडी में अभी भी है इसका हमें कोई यूज़ नहीं होता है विजडम टीथ विजडम टीत जो है बहुत सारे लोगों को वही आता ही नहीं जिसे हम अक्कलदार भी कहते हैं तो विजडम टीत जो है वो भी हमारे बॉडी के अंदर यूजलेस है क्योंकि विजडम टीथ का यूज़ पहले किया जाता था किसके लिए जो हार्ड फूड है द हार्ड मटेरियल जो उसको चबाने के लिए अभी हम कोई इतने हार्ड पदार्थ जो है वो खाते नहीं तो धीरे धीरे ये विजडम टीथ जो है वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया हमारे बॉडी के अंदर तो बॉडी हेयर्स जो है बॉडी हेयर्स जो है वह वे भी वेस्टिजियल ऑर्गन है अभी देख पा रहे कि मेरे सर के ऊपर कोई बाल नहीं लेकिन हो सकता है यूल्यूशन के कोर्स में अभी कुछ सालों के बाद कुछ पीढ़ियों के बाद ज़्यादा दूर नहीं है हज़ार सालों के बाद जो ह्यूमन बींग होगा उसके सर के ऊपर छोड़ो उसके बॉडी के ऊपर कहीं पे भी आपको हेयर नहीं दिखाई देंगे क्यों बच्चों क्योंकि हेयर ये वेस्टिजियल ऑर्गन से हेयर का हमारे बाकी मैमल्स के ऊपर बाकी मैमियन जो है इनके बॉडी के ऊपर हेयर्स रहेंगे क्योंकि हेयर्स से उनकी बॉडी का प्रोटेक्शन होता है सर्दी है गर्मी है धूप है बारिश है इसकी वजह से लेकिन अभी ह्यूमन बीइंग क्या है घरों के अंदर रहता है बाहर ज्यादा निकलते नहीं तो हेयर्स का उसके बॉडी को कोई यूज नहीं है तो ये अभी वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया है और धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा डीजेनरेट होते जाएगा अब नेक्स्ट जो इविडेंस है बच्चों ये है पैले ऑन्टोलॉजिकल इविडेंस अब पैले ऑन्टोलॉजिकल इविडेंस क्या है पैले क्या है बच्चों अब देखिए अभी आप क्या बता सकते हैं कि हज़ारों साल पहले या लाखों साल पहले अभी जो और, लिविंग ऑर्गेनिजम्स से जो बायोडाइवर्सिटी दिख रही वही ऑर्गेनिजम्स थे क्या नहीं तो उस दौरान कुछ अलग ऑर्गेनिज़म्स थे लेकिन कौन से ऑर्गेनिजम्स थे वो हम बता सकते हैं तो ये सभी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे अर्थ के अंदर है अर्थ के अंदर क्या होता है ड्यू टू द कैलेमिटीज लाखों साल पहले कुछ कैलेमिटीज आई होंगी जिसमें फ्लड है अर्थक्वेक है हल्के है जिसकी वजह से ये जीव सृष्टि हमारे ज़मीन के अंदर गड़ गई और इनके जो बॉडी पार्ट्स जो है रिमिनेंट्स के तौर पे हमारे अर्थ के अंदर प्रिजर्व हो गए एंड इनके इंप्रेशन जो है रॉक्स के अंदर प्रिजर्व हो गए इसे कहते हैं हम फॉसिल्स तो फॉसिल्स क्या है द फॉसिल्स ऑफ रिमेनेट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्केलेटन एंड द इम्प्रेशन ऑन द रॉक्स आगे बच्चों समझ में अब पहले पैलेंटोलॉजिकल इविडेंस जो है ये हमें बताता है कि इवोल्यूशन हुआ है अभी हमें पता है के स्केलेटन हमें मिला है और कितने साल पहले डायनासोर हमारे धरती के ऊपर था ये अभी साइंटिस्ट ने हमें बताया है तो ये कैसे बताते हैं बच्चों इसके लिए यह कार्बन डेटिंग टेक्निक तो कार्बन डेटिंग टेक्निक क्या है तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से वेदर इट इस प्लांट और एनिमल्स कोई भी हो आफ्टर द डेथ कार्बन कंजम्पशन स्टॉप तो हमारे बॉडी जो है पूरी कार्बन से बनी है और जो भी हम खाना खाते हैं ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इसमें कार्बन होता है तो हमारे बॉडी में कार्बन जो है स्टोर्ड होता है लेकिन जब हम मरते हैं तो मरने के बाद हम बाहर से कार्बन नहीं लेते फूड नहीं लेते तो कार्बन हमारे बॉडी में नहीं बढ़ता है जितना कार्बन है उतना ही कार्बन हमारे बॉडी में रहता है लेकिन कार्बन के आइसोटोप से कार्बन फोर्टीन एंड कार्बन ट्वेल्व इसमें से कार्बन फोर्टीन जो है ये रेडियो एक्टिव होता है और कार्बन ट्वेल्व जो है ये नॉन रेडियो एक्टिव होता है तो इनका जो रेशियो है मरने के बाद डीजेनरेट होते हैं डिकेइंग ऑफ कार्बन फोर्टीन कार्बन फोर्टीन का डिके होता है इसकी वजह से कार्बन फोर्टीन और कार्बन टेल इनका रेशो जो है वो चेंज होता है तो इस रेशो का अध्ययन करने के बाद ये ऑर्गेनिज्म कितने साल पहले हमारे धरती के ऊपर था ये बता सकते हैं दिस इस, इस टेक्निक को कहते हैं कार्बन डेटिंग टेक्निक तो कार्बन डेटिंग टेक्निक इज़ वेरी यूजफुल इन पेलेन्टोलॉजी एंड एंट्रोपोलॉजी तो एंट्रोपोलोलॉजी में भी इसका यूजफुल किया जाता है तो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द ह्यूमन फॉसिल्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट एंट्रोपोलॉजी में किसका इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन फॉसिल और जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट है उस मैन्यूस्क्रिप्ट को मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है हस्तलिखित हस्तलिखित कितने साल पहले लिखे गए हैं ये एज निकालने के लिए भी कार्बन डेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है तो अब यहाँ पे जो है एक डायग्राम हमारे बुक के अंदर दी है तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे जमीन के अंदर सबसे पहले जो फॉसिल्स मिले वो फॉसिल्स इन्वर्टेबरेट्स के थे उसके बाद पाइसेस फिश लाइक एनिमल्स के फॉसिल्स मिले उसके ऊपर फिर एम्फीबियन के फॉसिल्स मिले उसके ऊपर रेप्टाइल्स उसके ऊपर योज और मैमल्स इन दोनों के फॉसिल्स मिले तो इससे हमें पता चलता है कि इन्वर्टेबरेट्स इट हैज़ बीन इवॉल्व टू पाइसेस तो एम्फीबियन स्पाइसेस से इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल्स एम्फीबियन से इवॉल्व हुए हैं और योज़ और मैमल्स ये रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं इस तरह से इवोल्यूशन की प्रोसेस होती है तो इसके बाद जो इविडेंस है बच्चों ये है कनेक्टिंग लिंक कौन सा है कनेक्टिंग लिंक तो कनेक्टिंग लिंक क्या होती है इट इज द द एग्जिस्टिंग एनिमल्स शोज मार्फोलॉजिकल टू डिफरेंट ग्रुप्स दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक यानी कि दो अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं और दो अलग अलग ग्रुप के जो हैं वो दोनों के कैरेक्टर्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं उसे कहते हैं कनेक्टिंग लिंक अब एग्जाम्पल से हम समझेंगे बुक्स के अंदर इनके डायग्राम दिए पेरीपैटस तो पेरीपैटस जो है बच्चों पेरीपैटस इज द कनेक्टिंग लिंक ऑफ एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा अब एनेलिडा और ऑर्थोपोडा दोनों अलग अलग ग्रुप से दोनों अलग अलग फाइलम से बिलोंग करते हैं दोनों अलग अलग फाइल है तो एनेलिडा एच के कैरेक्टर्स कौन कौन से पेरीपैटस के अंदर दे कंटेन्स द सेगमेंटेड बॉडी सेगमेंटेड बॉडी है थी क्यूटिकल सुन पे होता है और पैरापोडिया होता है पैरापोडिया का इस्तेमाल लोकोमोशन के लिए किया जाता है एनेलिडा में तो ये सभी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पेरीपैटस में और उसके साथ साथ आर्थोफोडा के कैरेक्टर्स भी इसके अंदर कौन कौन से ट्रकियर रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन उसमें ट्रकिया के थ्रू होता है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये दोनों आर्थोफोडा के कैरेक्टर्स है तो देअपोर पेरीपैटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड ऑर्थोफोडा तो एनेलिडास जो है यूवॉल्ड होके आर्थोफोडा तैयार हुआ है अब देखिए जैसे कल डगबिल प्लेटिपस तो डगबिल पैटीपस जो है इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स ये कनेक्टिंग लिंक्स इसके बीच में है मैमल्स और रेप्टाइल तो मैमल्स के कौन से कैरेक्टर्स है ये डगबिल पैटीपस है इसके बॉडी के ऊपर हेयर से हेयर और मेमोरी ग्लैंड से मेमोरी ग्लैंड और हेयर प्रेजेंस ऑफ के कैरेक्टर अब मेमोरी ग्लैंड होने के बावजूद भी ये क्या करता है एग्स ले करता है तो है। डग अब देखिए लंग फिश तो लंग फिश जो है ये दोनों के बीच किसके बीच का है पाइसेस और एम्फीबियम तो पाइसेस का कैरेक्टर्स क्या है दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वाइटिक्स पानी के अंदर रहते हैं और पानी के रहने पानी के अंदर रहने के बाद भी ये लंग फिश क्या करता है दे आर रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ लंग्स लाइक दैट ऑफ द एम्फीबियम तो लंग्स की हेल्प से रेस्पिरेशन करना एम्फीबियन का कैरेक्टर है पानी के अंदर रहना पाइसेस का कैरेक्टर है देअपोर लंग फिश इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पाइसेस एंड एम्फीबियन तो कौन सी लंग फिश है बच्चों प्रोटोपेटस प्रोटोपटेरस प्रोटोपटेरस ये लंग फिश है जो कनेक्टिंग लिंक है पाइसिस और एम्फीबियन और आखिरी का इविडेंस है मार्फोलॉजी एम्ब्रियोलॉजिकल yeah, एविडेंस तो ये बुक के अंदर आपको डायग्राम दिए हैं तो इसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियोज बताए हैं जिसमें फिशेस है देन ह्यूमन बींग्स का भी है फीक का भी है हेन का भी है तो ये सभी एम्ब्रियोज को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी इनिशियल स्टेजेस में देखिए पहली स्टेज जो है पहले स्टेज में सभी ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियो एक जैसे फिशेस का एम्ब्रियो कौन सा है फ्रॉक uh, का एम्ब्रियो कौन सा है ह्यूमन बीइंग का एम्ब्रियो कौन सा है इसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते सभी एम्ब्रियो हमें एक जैसे दिखते हैं बट लेटर स्टेजेस सिमिलैरिटीज जो है वो डिक्रीज होती जाती है तो ये सभी इविडेंसेस क्या बताती है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दे ऑर्गेनिजम्स दे हैव द कॉमन एंसेस्टर सभी ऑर्गेनिज्म जो है एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं तो मॉर्फोलॉजिकल इविडेंसेज जो है ये भी हमें यही बताता है डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये इवोल्यूशन की थेरी इसके बारे में हमने पढ़ा और उसके इविडेंसेस के बारे में भी पढ़ा और ये वाइडली एक्सेप्टेड थेरी है क्यों वाइडली एक्सेप्टेड थेरी है बच्चों क्योंकि इसके लिए सभी इविडेंसेज सभी सबूत जो है वो अभी इकट्ठा हुए हैं और इसकी वजह से इस थेरी को सबसे ज़्यादा अहम भूमिका जो है और सबसे ज़्यादा मान्यता मिली है और इसके साथ साथ भी कुछ इविडेंसेज कुछ थेरीज जो है वो भी इंपॉर्टेंस रखती है जिससे जैसे कि आप डारविंस थेरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन तो अब बच्चों हम डारविंस थेरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो डारविन्स जो था डार्विन ने क्या किया था ही कलेक्ट द यूनिमेरस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लांट और एनिमल्स की बहुत सारी स्पीसीज उन्होंने कलेक्ट की और फिर इसका एक जो है उसका अध्ययन किया उसको ऑब्जर्वेशन किया और ऑब्जर्वेशन करने के बाद इन्होंने एक थेरी सामने रखी और उस थेरी का नाम है नेचुरल सिलेक्शन दिस तो थेरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन तो ये थेरी किसके ऊपर फोकस करती है दिस थेरी फोकस ऑन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और तो ये थेरी जो है डार्विन ने लिखी थी इनका एक बुक था उस बुक में ये थेरी को पब्लिश किया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इस बुक के अंदर आपको नेचुरल सिलेक्शन डार्विन की थेरी मिलेंगी अब इस थेरी में क्या बताया गया है तो थेरी में डार्विन में यह बताया था तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस पॉलीफेरेटली तो पॉलीफेरेशन पॉलीफेरेट रिप्रोडक्शन होता है यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है और उसके बच्चे जो है वो यहाँ पे जन्म लेते हैं कोई ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस करने का ज्यादा से ज्यादा ऑस्ट्रीन प्रोड्यूस करने का प्रयास जो है हर जीव यहाँ पे करता है क्योंकि क्यों करता है क्योंकि देर इज अ लाइफ थ्रीटर्निंग कॉम्पिटिशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है स्पर्धा है जैसे आप ह्यूमन बीइंग को छोड़िए यहाँ पे कंपटीशन नहीं होती लेकिन जंगल के अंदर अगर आप जाएंगे तो हर एक जीव जो है वो खाने के लिए वहाँ पे कंपटीशन होती है जान लेने वाली ये कंपटीशन है इसीलिए हर एक सजीव जो है ज्यादा से ज्यादा ऑस्प्रीन प्रोड्यूस करने के प्रयास करता है जिसकी वजह से उसकी स्पीसीज़ जो है वो अर्थ पे टिकी हुई रहे अब ये कंपटीशन में क्या होता है दोज ऑर्गेनिजम्स हैविंग द मॉडिफिकेशन यूजफुल मॉडिफिकेशन जिसके अंदर है स्पेशियल कैरेक्टर जिसके अंदर है तो वो कॉम्पिटिशन में जीतता है और वहां पर जीवित रहता है और दूसरा जो है द सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेज द नेचुरल नेचर क्या करता है दोज ऑर्गेनिज्म आर फिट दे आर सिलेक्टेड जो फिट है फिट कैसा है जो सराउंडिंग एन्वायरमेंट में चेंजेस आता है उस चेंजिंग एनवायरमेंट को वो एक्सेप्ट करता है तो वो ऑर्गेनिज्म फिट होता है और फिट ऑर्गेनिज्म और कंपटीशन में जितने वाला ऑर्गेनिज्म इनको रिप्रोडक्शन करने का चांस मिलता है और वो उनके जो ऑस्प्रिंग जो है वो जो तैयार होते दैट लीड्स टू द न्यू स्पीसीज विथ डिजायर कैरेक्टर तो अलग कैरेक्टर्स के साथ वहाँ पे ऑर्गेनिज्म तैयार होते दे आर फिट एंड दे आर रेडी टू फेस द कंपटीशन एंड जो इस इसमें सस्टेन नहीं कर सकते या फिट नहीं होते वो पेरिश हो जाते हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं तो डार्विन की थेरी जो है सबसे पहले ग्रेजुअल डेवलपमेंट थेरी को ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के पहले डार्विन को तेरी थेरी जो है वो सबसे ज़्यादा मान्यता पाई थी सबसे ज़्यादा लोग उसको मानने लगे थे लेकिन इसमें सब ऑब्जेक्शन है कुछ लिमिटेशन है उसको ऑब्जेक्शन क्या है बच्चों पहला जो ऑब्जेक्शन है दिस थेरी द नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फैक्टर फॉर इवोल्यूशन नेचुरल थेरी यही फैक्टर नहीं है ईवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल तो नेचुरल थेरी सिलेक्शन के अलावा कुछ और भी फैक्टर है जो ईवोल्यूशन जिसकी वजह से ईवोल्यूशन होता है जो हमने इविडेंसेस uh, में देखा था अब दूसरा ऑब्जेक्शन था यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन तो यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन के बारे में डार्विन ने कुछ नहीं बताया। anything अबाउट द यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन तो यूजफुल मॉडिफिकेशन कौन कौन से मॉडिफिकेशन यूजफुल है कौन कौन से हार्मफुल है ये नहीं बताया देन स्लो एंड एब्रप्ट चेंजेस डार्विन didn't टेल anything about अबाउट स्लो एंड एब्रप्ट चेंजेस जो चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से फिट ऑर्गेनिज्म फिट होता है तो ये अचानक कोई बदलाव आते हैं कोई बदलाव स्लो होते हैं इसके बारे में डार्विन ने कुछ नहीं बता दो दे हार सेवरल ऑब्जेक्शन टू द डार्विन थेरी बट इट बिकम्स अ माइल्ड स्टोल इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ईवोल्यूशन को समझने के लिए एक ये माइल स्टोन भी है अब नेक्स्ट जो थेरी है बच्चों ये देखिए लैमार्किज्म ये भी इवोल्यूशन के बारे में बताता है तो लैमार्किज्म साइंटिस्ट जीन बैप्टिस लैमार्क ये नाम है इनका ही हैज पुट फोर्थ अ थेरी इन्होंने एक थेरी बताई उन थे उनकी थेरी के हिसाब से क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म जीवित रहता है जीवित रहने के बाद वो कुछ प्रयास करता है तो द एक्टिविटीज एंड लेजीनेस एक्टिविटीज एंड लेजीनेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द EVOLUTION एंड इन द MORPHOLOGICAL चेंजेस द एक्टिविटीज़ एंड लेजीनेस आर वेरी इंपॉर्टेंट तो मार्फोलॉजिकल चेंजेस जो है मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं और इसमें एक्टिव ऑर्गेनिज्म जो है उसमें जो कैरेक्टर्स जो है वो डेवलप होगा और लेजी ऑर्गेनिज्म से वो उसमें वो कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा इस तरीके को उन्होंने कहा है यूज़ एंड डिस ऑफ ऑर्गन्स आपको समझ में नहीं आएगा तो कुछ एग्जाम्पल से हम समझेंगे यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन तो जिस ऑर्गन का ऑर्गेनिज्म ज्यादा इस्तेमाल करता है वो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं स्ट्रांग होते हैं और जिन ऑर्गन का ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल नहीं करता वो ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते वो धीरे धीरे डिजेनरेट होते और जो ऑर्गन स्ट्रांग होते हैं वो ऑर्गन को ऑर्गेनिज्म क्या करता है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करता है अब एग्जाम्पल से समझेंगे अब देखिए नेक ऑफ जीरा अब जीराब की मान जो है वो बहुत लंबी है क्यों लंबी है बच्चों क्योंकि हर जीराब जो था जो जहाँ जिस एनवायरनमेंट में रहता था वहाँ पे क्या था नीचे जो है उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था तो धीरे धीरे जो बड़े प्लांट्स जो है उसके ऊपर जो लूज है वो उसको खाने लगा तो खाने के लिए उसे उसकी मान जो है वो लंबी करनी पड़ी उसको स्ट्रेच करनी पड़ी तो कुछ जनरेशन आफ्टर जनरेशन यही दौर चलते रहा और इसकी वजह से उनकी माल लंबी होगी गई के हिसाब से अब शोल्डर्स ऑफ आय स्पित तो आय स्पित जो है वो सबसे ज़्यादा शोल्डर का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से उसके शोल्डर जो है वो स्ट्रांग बनते हैं देन विंग्स ऑफ यूमू एंड ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच और यू ऐसे प्ला बर्ड्स है कि जो उड़ नहीं सकते क्योंकि उनके जो विंग्स जो है वो वीक है क्योंकि वो विंग्स का इस्तेमाल ही नहीं करते थे यूज एंड डिस अब इसका इस्तेमाल न करने की वजह से उनके विंग्स जो है वीक हो गए अब ये एनिमल जो है उड़ नहीं सकते देन स्नेक्स आर लिमलेस तो स्नेक्स को लिम नहीं होते वो लोकोमोशन करने के लिए तो so, उनको पहले पैर थे लैमार्थ के हिसाब से लैमार्थ ने जैसे बताया तो so, वो बरोइंग हैबिटेट बिल में रहते थे और बरोइंग हैबिटेट की वजह से उनके जो लिम्स जो है वो धीरे धीरे डीजेनरेट हो गए और अभी जो नेक है स्नेक है वो लिमलेस है उनमें कोई लिम्स नहीं तो so, ये जो कैरेक्टर्स एक्वाइड करता है ऑर्गेनिज्म इसको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करता है और इसी को हम कहते हैं कैरेक्टर्स और दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वाड कैरेक्टर तो ये एक्वाइर्ड कैरेक्टर से एंड दिस एक कैरेक्टर जो है दिस हेड बीन ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड इट इज कॉल्ड एड थेरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वाइर्ड कैरेक्टर अब इस थेरी को डिस्प्रूड किया गया hmm? इस थ्री को कैंसिल किया गया क्यों कैंसल किया गया ये तो लोगों ने माना कि जिस ऑर्गन का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसमें डेवलपमेंट होता है लेकिन ये जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते इसी को किसी ने नहीं माना क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट नहीं होते इसमें जीन्स में बदलाव आना चाहिए जब तक जीन्स में चेंजेस नहीं आएंगे तब तक वो डिजायर कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं हुआ दिस थेरी वॉज डिस्प्यूट इसको खारिज किया गया तो जो लैमार्क ने ज्यादा बताया था लैमार्क ने क्या बताया था वॉट एवर द कैरेक्टर्स That are acquired by the living things in your in his life span that are transmitted to the next generation and this is called as an ancestry of acquired character. तो so ancestry of acquired character क्या है? कि जीवन जीते वक्त हम जिस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं वो ऑर्गन डेवलप होते हैं उस character को next generation में transmit करते हैं और जो है इसे कहते हैं ancestry of acquired character. अब देखिए बच्चों लैमार्क की थेरी तो कैंसिल होगी सबसे जो है थेरी कौन सी है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन अब देखिए स्पेसिएशन स्पेसिएशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन तो इवोल्यूशन की वजह से अलग अलग तरह से स्पीसीज तैयार होते हैं तो स्पीसीज क्या होती है बच्चों डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज तो स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्मीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रोड्यूसेज द फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन ये ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है कि उनके न, उनमें नेचुरल रिप्रोडक्शन होता है और नेचुरल रिप्रोडक्शन के बाद ये फर्टाइल ऑस्प्रिंग तैयार करते है। जैसे हैं जैसे ह्यूमन बींगस की एक स्पीसीज है उनमें रिप्रोडक्शन होता है और फर्टाइल ऑस्प्रिंग वहां पर प्रोड्यूस होते हैं तो इस तरह से ये हो गई एक स्पीसीज और दो अलग अलग स्पीसीज है दो तो अलग अलग स्पीसीज को कैसे पहचानना है अगर उन ऑर्गेनिज्म में नेचुरल रिप्रोडक्शन अगर नहीं होता है और ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होते तो अलग स्पीसीज होती है तो स्पीसीज कैसे तैयार होती है तो इवोल्यूशन से स्पीसीज तैयार होती है तो पहला जो है जेनेटिक वेरिएशन जेनेटिक वेरिएशन की वजह से स्पीसीज तैयार होती है जैसे कि हमने बताया जीन में अगर कुछ बदलाव आते हैं तो वेरिएशन किसकी वजह से आता है जेनेटिक वेरिएशन को हम म्यूटेशन भी कहते हैं म्यूटेशन यूजफुल भी होता है और हार्मफुल होता है अगर म्यूटेशन यूजफुल है तो वो कैरेक्टर उसमें डेवलप होगा और नई स्पीसीज तैयार होगी दूसरा है जीवा जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस वी नो दैट द सर्टन स्पीसीज लिवज इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन कुछ स्पीसीज जो है वो स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन में रहते हैं उनकी फूड फूड लेने फूर, उनकी न्यूट्रिशन जो है फूड अलग होता है उनके हैबिटेट अलग होती है अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन में रहने वाली स्पीसीज़ की देन उनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी और पीरियड यानी कि लाइफ स्पैन ये अलग अलग होता है लेकिन आप, example, अब फॉर एग्जाम्पल अब देखिए एक स्पीसीज है कोई एक बर्ड है वो एक जियोग्राफिकल रीजन में रहता है और उस जियोग्राफिकल रीजन में से निकाल के उसे दूसरे जियोग्राफिकल रीजन में हम उस बर्ड्स को लेके गए यानी कि एक बर्ड नहीं कम से कम 100 या 200 बर्ड्स अगर हम दूसरे जियोग्राफिकल रीजन में रह गए लेने लेके ले गए अब ये जो हो गया ये दोनों स्पीसीज अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन में रहेगी अब जो दूसरे जियोग्राफिकल रीजन में बर्ड्स को हम लेके गए वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है फूड हैबिट फूड अलग है तो वो स्पीसीज़ अगर उस एनवायरमेंट को एडजस्ट कर पाए तो एडजस्ट करने के बाद जो है उसके कैरेक्टर्स धीरे धीरे जनरेशन आफ्टर जनरेशन बदलेंगे तो वो उस स्पीसीज में रिप्रोडक्शन होगा और नए ऑस्प्रिंग तैयार हो गए उसमें डिज़ायर कैरेक्टर हो गए अब कुछ सालों के बाद हज़ार सालों के बाद अगर उस जोग्राफिकल रीजन का बर्ड हम देखेंगे और इस जियोग्राफिकल रीजन का बर्ड देखेंगे दोनों अलग अलग होंगे उनमें नेचुरल रिप्रोडक्शन नहीं होता है इस तरह से जो है जियोग्राफिकल चेंजेस की वजह से नई स्पीसीज तैयार होती है अब देखिए जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जियोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से भी नई स्पीसीज तैयार होती है अब लास्ट पॉइंट हमारा बचा है बच्चों जो है, आ, तो जो है है ह्यूमन 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 इवोल्यूशन इवोल्यूशन तो तो बीइंग्स का इवोल्यूशन इवोल्यूशन कैसे हुआ तो कोर्स में सबसे आखिरी जो ऑर्गेनिज्म या जो तैयार हुई है वो ह्यूमन बीइंग है एंड इट इज वेरी वाइजेस्ट तो सबसे पहले जो है बच्चों देखिए अभी हम डायनासोर नहीं देख पा रहे Hmm? तो इवोल्यूशन जो हुआ है ह्यूमन बीइंग्स का हम सभी जानते हैं जो बायोडायवर्सिटी हम देख पा रहे हैं वो सभी ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से तैयार हुए यानी कि हमारा एंसेस्टर जो है हम जैसे पीछे पीछे जाएंगे तो एक सेल थी और एक सेल से यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तैयार हुए तैयार हुए तो द लास्ट डायनासोर जो है वो सात करोड़ साल पहले हमारे धरती से क्या हो गया नष्ट हो गए और जब डायनासोर नष्ट हो गए तो वहाँ पे एक अभी जो मॉडर्न लेम्यूड आप देख पाते हैं डायग्राम के अंदर दिए बुक के बुक में तो लेम्यूड जैसा जो मंकी लाइक एनिमल जो है वो हमारा एनसेस्टर है वो वहाँ पे इवॉल्व हुआ अब उसको टेल थी चार पैरों पे चलता चलता था उसके पैर भी छोटे छोटे थे डायग्राम देख के आपको समझ में आएगा आया हो आ, आएगा अब इस लेमुड में कुछ चेंजेस होते गए और चार करोड़ साल बाद उसमें जो टेल थी वो डिसपियर हो गई तेल क्या हो गई दिस हो गई और वहां पे वेस्टिजल ऑर्गन बन गया जिसको हम क्या कहते हैं कोकिक्स अब उसके बाद जो है ढाईस करोड़ साल पहले क्या हो गया ये जो लेम्यूड था जिसकी टेल जो है नष्ट हो गई वो अफ्रीका में पाया जाता था और जो है उसका डेवलपमेंट हो गया फिर एप लाइक एनिमल किस में हो गया एप लाइक लेमूर और एप में फर्क होता है बच्चों लेम्यूड जो है वो छोटा होता है और एप जो है वो बड़ा होता है यानी कि इतने करोड़ साल के बाद इसके बॉडी की साइज क्या हो गई बढ़ गई आ गया समझ में और फिर इनका जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया ये अफ्रीका में पाए जाते थे और कुछ रीजन की वजह से उन्होंने माइग्रेशन किया होगा अब रीजन्स क्या थे ये तो करोड़ों साल पहले की बात थे रीजन्स हमें पता नहीं लेकिन उनमें दो ग्रुप हो गए कुछ जो लाइक एनिमल्स जो थे वो अफ्रीका में ही रह गए और कुछ जो है वो साउथ नॉर्थ एशिया में आ गए और साउथ नॉर्थ एशिया में जो एनिमल्स आ गए ढाई करोड़ साल पहले दे आर इवॉल्व इन टू द गिबॉन एंड ऑरेंगोटॉन तो गुब और ओरेंगोटॉन जो एनिमल्स अभी भी है तो इस तरह के एनिमल्स उससे बन गए अब देखिए रिमेनिंग एप लाइक एनिमल जो है जो अफ्रीका में रहे उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है गोरिला और चिंपांजी अब देखिए यहां पे भी स्पेसिएशन हुआ है तो ये दो ग्रुप में बटे तो एक ग्रुप जो है एशिया में गिबॉन और ऑरेंगोटॉन में इसका इवोल्यूशन हुआ और दूसरा जो गुप्त उसमें उसका ट्रांसफॉर्मेशन किस में हुआ गोरिला और चिमपांजी में और उसके बाद जो देखिए बच्चों इस दौरान क्या हुआ ये सभी जो है ऑर्गेनिज्म पहले पेड़ के ऊपर रहते थे फिर ज़मीन पे रहने लगे क्या रहने ज़मीन पे रहने लगे और एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस आ गए और जिस चेंजेस की वजह से धीरे धीरे जंगल जो है वो नष्ट होने लगे और जंगल नष्ट होने की वजह से जो है वो पेड़ों से ऊपर निकल के फिर जमीन पे आ गए उनके लंबर बोन जो है यानी कि जो हमारे वर्टेबर कॉलम का आखिरी नीचे वाला हिस्सा होता है तो लंबर बोन में जो है वोटेब्री जो है इसमें चेंजेस आ गए और इस चेंजेस की वजह से क्या हो गया देव दे, दे बिकम्स इरेक्ट पॉइर वो सीधे तो खड़े रहने लगे सीधे खड़े रहने लगे यानी कि थोड़ा सा जो है उनकी पीठ झुकी रहती थी हाथ जो है वो काफी लंबे थे और इस तरह से वो धीरे-धीरे थोड़े-थोड़े चलने लगे यानी कि इरेक पोश्चर हो गए इनका और दो करोड़ साल पहले पहला वाइज मैन तैयार हो गया कि जो उसके हाथों का इस्तेमाल करता था क्योंकि इरेक पोश्चर होने की वजह से वो पैर पर खड़े होने लगे इसकी वजह से उनके हाथ जो है वो फ्री हो गए और हाथों का वो इस्तेमाल करने लगे पहले जो तो हाथ और पैर यानी कि फोर लिम्स और हैंड लिम दोनों का इस्तेमाल वो लोकोमोशन के लिए करते थे लेकिन इरेक्ट पोस्चर की वजह से वो हाथों का भी इस्तेमाल करने लगे तो फर्स्ट वाइज मैन जो है जो अभी हमारे साथ है इसे हम कहते हैं रेमा पाइथिकस देन उसके बाद 40 लाख साल पहले क्या हुआ एस्ट्रोलोपैथिकस इसमें ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया है बीच में क्या हो गया है देर ऑकस द डेवलपमेंट इन द ब्रेन इसमें इंटेलिजेंस भी बढ़ गया और 20 लाख ,00 साल पहले जो है स्किल मैन तैयार हुआ है कौन सा मैन तैयार हुआ है स्किल मैन तो स्किल मैन जो है वो हथियार भी तैयार करता था स्टोन से हथियार तैयार करने लगा शिकार करने लगा हु? और शिकार करके जो है वो फूड जो है वो लेने लगा न्यूट्रिय तो उसके बाद जो है पंद्रह लाख सहले साल पहले क्या हुआ तो ह्यूमन विद इरेक्ट पोइचर पूरा सीधा अपने पैरों पे खड़े रहने वाला जो ह्यूमन बीइंग तैयार होगा और ये जो है पैरों पर खड़े वाला ह्यूमन जो है वो चाइना और इंडोनेशिया ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट तो इसमें पाया गया क्योंकि जो फॉसिल्स मिले उस फॉसिल के अध्ययन से पता चलता है कि पहला पैरों पर सीधे खड़े रहने वाला ह्यूमन जो है वो चाइना और इंडोनेशिया में पाया गया पंद्रह लाख साल पहले और उसके बाद जो है डेवलपमेंट होते ही गई बीच में जो है वो फायर की डिस्कवरी हो गई फायर की डिस्कवरी एक लाख साल पहले हो गई और फायर की डिस्कवरी के बाद जो है व्हील की डिस्कवरी हुई और जब व्हील की डिस्कवरी हुई तो यूवोल्यूशन भी थोड़ा थोड़ा फास्ट होने लगा तो पचास साल पहले पचास सॉरी फिफ्टी थाउजेंड पचास हजार साल पहले वाइज मैन तैयार हो गया इट इज कॉल्ड एज एस्ट्रेलोपैथेकस एस्टेलोपैथिकस hmm? जो है इसका ही इवोल्यूशन जो है वो वाइज मैन में हो गया फिर दस हज़ार साल पहले जो है वो फिर ह्यूमन बींग्स जो है व्हील का भी डेवलपमेंट हो गया व्हील के डेवलपमेंट होने की वजह से वो फास्ट हो गए एक जगह से दूसरी जगह पे जाना उन्हें पॉसिबल हो गया फिर एग्रीकल्चर खेती करने लगे खेती के साथ साथ जो है दे एस्टेब्लिश द सिटीज शहरों का निर्माण उन्होंने किया और जो है पाँच हज़ार साल पहले पाँच हज़ार साल पहले जो है उन्होंने लिखने की कला जो है हुँ? वो उनमें डेवलप हो गए फिर अलग अलग तरह के आर्ट्स डेवलप हो गए और आर्ट्स और लिखने की कला जब डेवलप हुई तो उनमें कल्चर भी डेवलप होने लगा फिर वो कपड़े पहनने लगे हुँ? तो 400 साल पहले अब 400 साल पहले जो है मॉडर्न साइंस जो है साइंस कोई बहुत पूरा नहीं 400 साल पहले मॉडर्न साइंस तैयार हो गया और अभी दो साल पहले जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गई और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के बाद ह्यूमन बींग्स जो है को कैसा है ये हमारे सामने है अब ये ह्यूमन क्या कर रहा है कि हमारी डेवलपमेंट कैसे हुई इसकी डिस्कवरी हम अभी कर रहे कि हमारा पूर्वज कैसे था हमारा एंसेस्टर कैसे था इसकी डिस्कवरी हम अब कर रहे हैं बच्चों यहां पे हमने पूरा चैप्टर यहां पे कंप्लीट कर दिया वन शॉट में जिसका नाम है हेरिडिटी एंड यूल्यूशन थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल थैंक यू